गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं बच्चों आप लोग होप यू आर वेल तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उसी एक पर्टिकुलर सीरीज की जिसमें हम लिटरेरी क्वेश्चन को लगातार यहां पर कर रहे हैं तो लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है पोएट्री इज अस्पटेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इट हैज बीन सेट बाय ये किसने कहा वेदर इट हैज बीन सेट बाय कॉलरेज क्या ये कॉलरेज ने कहा या फिर ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा या फिर किसी और ने कहा तो आंसर करें सब लोग और जरा मन में सोचें कि इनमें से हम किसको करेक्ट आंसर में रखेंगे सो इफ वी सी हियर क्या ये आंसर हमारा एस टी है विलियम ब्लेक है विलियम वर्ड्सवर्थ है या फिर ये थॉमस इलियट है तो बेसिकली इस तरह की लाइन लिखना पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स हंड्रेड परसेंट इट गोज टू होम इट गोज टू विलियम तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि बेसिकली डिवोटेड कंप्लीटली टू द नेचर थे, ही सेट दैट पोएट्री इज एस्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम जो पोएट्री है दैट वॉज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो मीन कमिंग फ्रॉम द डीप कोर ऑफ द हार्ट वो खुद ब खुद आता है ऐसा नहीं कि मतलब उसको जबरदस्ती हम किसी रूल के थ्रू फॉर एग्जाम्पल इन क्लासिकल लिटरेचर यानी क्लासिसिज्म में अगर हम देखें तो दैट इज बेस्ड ऑन सम रूल्स लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी रूल वर्क नहीं करता तो आंसर हमारा सी जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं लिरिकल बैलेट्स इज रिटर्न बाई वर्ड्स विद विधअ कोलैबोरेशन ऑफ अब ध्यान से आपको देखना लिरिकल बैलेट्स जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है व्हेन इट वाज देयर एडवेंट ऑफ रोमेंटिस की वजह से बना है एस टी कॉलरेज एंड वर्ड्स वर्थ का यानी कौन सा थे इट वॉज एस टी कॉलरेज और मैं आपको बता दू इसमें टोटल ट्वेंटी थ्री पोएम्स है जिसमें से नाइनटीन है फोर हैड बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एस टी कॉलरेज तो यह भी आपको ध्यान रखना है जिसमें राइम ऑफ द एनर वन ऑफ द बेस्ट एस टी कॉलरेज की पोएम है अगले क्वेश्चन पे आते हैं वट इज से वो पूछ रहा है कि सेस्टेट यहां पर क्या है जैसे हमने ऑक्टिव देखा एट लाइन का इसी तरह से हमारे पास से होता है यह क्या है बेसिकली लास्ट सिक्स लाइन सोनेट एक सोनेट की लास्ट सिक्स लाइंस जो होती हैं वो बेसिकली सेस्टेट कहलाती हैं क्या कहलाती हैं गाइस सेस्टेट तो अगर हम इन सिक्स लाइंस को देखें तो बेसिकली ये किसका फॉर्मेट बन बनाता है ये बनाता है मिल्टोनिक सोनेट का या जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं मिल्टोनिक सोनेट क्योंकि मिल्टोनिक सोनेट की जो फोर्टीन लाइन्स होती है वो लाइन्स हमारी दो में डिवाइड होती है एट लाइन जिससे बनता है ऑक्टिव और भाई सिक्स लाइंस जिनसे क्या बनता है एट लाइंस हमें क्वेश्चन बना के देती हैं यानी कि सम प्रॉब्लम इज देयर और उसको क्वेश्चन किया जाता है जबकि सिक्स लाइंस हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं सो एट प्लस सिक्स सो मिल्टोनिक सोनेट के रूप में ही ये सिक्स लाइन्स लास्ट की हम जो देखते हैं दैट इज सेटेट नाउ वी कम टू द वर्ड इज डिक्शन डिक्शन बेसिकली है क्या So, देखिए मैं आपको बता दूं कि डिक्शन का मीन है बेसिकली सिंटेक्स से या फिर चॉइस ऑफ वर्ड से चॉइस ऑफ वर्ड्स यानी बेसिकली जो पोएट uh, है वो इंस्पायर्ड है ही हैज गोन थ्रू लॉट्स ऑफ लिटरेचर इंस्पायर्ड है उसे बहुत सारी चीजों का पता है लेकिन ये चीजें एक लेमैन को नहीं पता होती यानी कि रीडर क्या है लेमैन है तो उस लेमैन के लिए एक पर्टिकुलर डिक्शन तैयार किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि सिंटेक्स क्या है वहां पे कैसे सब्जेक्ट लिया गया या फिर वहां पे चॉइस ऑफ द वर्ड्स क्या है तो नंबर वन ए ये हम बताएंगे जैसे लिरिकल बैलेट्स लिरिकल बैलेट्स आती है सेवनटीन नाइनटी एट में और इन्हीं लिरिकल बैलेट्स में प्रिफेस जोड़ दिया जाता है कब दो साल बाद बाद यानी 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 कि 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 1800 में लेकिन अगले 1802 दो साल बाद, एक और चीज जाती है जिसे हम कहते हैं लिरिकल बैलेट्स एंड प्लस डिक्शन पोएटिक डिक्शन यहां पे था तो पोएटिक डिक्शन का है कि मीनस काइंड ऑफ हैज बिन देयर क्या सिंटेक्स वहां पे यूज किया है किस तरह की एक्सप्लेनेशन है ईच एंड डिक्शन अगला क्वेश्चन है हमारा ये किस टर्म को रेफर करती है तो लिंग्वाड है कॉमन लैंग्वेज तो क्या आंसर बनेगा हमारा इट इज द कॉमन लैंग्वेज फिर क्वेश्चन आता कि फिर वॉज द पोएट ऑफ ये कहां के पोएट थे आपको पता होगा इंग्लिश नहीं थे फ्रेंच नहीं इटालियन ये पर्शियन पोएट थे पर्शिया जिसको अब ईरान इरा, कहा जाता है इराक कहा जाता है करेक्ट और फिरदोशी का मैं आपको जबरदस्त वर्क बता दू फिर ने लिखा था शाहनामा बच्चों क्या लिखा था फिरदोशी ने फिरदोशी और इसी शाहनामा को ट्रांसलेट किया था इसे कहानी ली गई थी बताओ किसकी सोहराब एंड रुस्तम कौन सी गई थी गाई सोहराब एंड रुस्तम

कि भाई ऑडिपस जो है ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है एक है बेबी बॉय का अपनी मदर के लिए तो ऑडिपस इज रिटन बाय द रिटर्न बाई दरिस्टोफे हॉमर है ओविड है ओविड या फिर है तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इट इज सोफोकल्स तो सोफोकल्स ने ही ऑडिपस को लिखा है जिसमें ऑडिपस अपने फादर को मार के उनका मर्डर करके अपनी मदर से शादी कर लेता है तो यही ऑडिपस की कहानी है 303 क्वेश्चन यहां पे देखते हैं थ्री जीरो में अ मैकवेलियन कैरेक्टर इज तो यहां पे पूछा है बेसिकली मैकवेलियन कैरेक्टर होता कैसा है बच्चों मैं आपको बता दू के मैकिया वेली राइटर थे जबरदस्त राइटर थे तो मैकिया वेली ने बेसिकली एक वर्क लिखा था द प्रिंस अगर आपको याद हो सोलोमन मैकिया वेली ने द प्रिंस ये जबरदस्त वर्क है स्टेट के लिए अब इसी में कैरेक्टर आता है मैकेवेली बेसिकली वो कैसा पर्सन है बड़ा ही कनिंग टाइप टाइप एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स यानी कि अच्छा पर्सन ही तो, अगर कैरेक्टर तभी से हम ले तो यहां से आया और क्या है इसका means? एक कनिंग पर्सन से तो मैकेवेलियन कैरेक्टर बेसिकली एक कनिंग पर्सन है क्वेश्चन बना विच नोबेल प्राइज इन लिटरेचर लिटरेचर का नोबेल प्राइज किस फिलोसफर को इनमें से मिला है विंस्टन चर्चिल है अब्राहम लिंकन है एस इलियट है या फिर बच्चों बर्टर है तो 100% परसेंट हम डी पे जाएंगे बाकी इनमें से, टी एस से को हम कहें तो वो नॉमिनेट तो हुए बट उनको मिला नहीं लेकिन बर्टर गॉट द नोबेल क्वेश्चन है कि ये किसका लिखा हुआ है क्या ये मैथ्यू आर्नोल्ड का है फिलिप सिडनी का है डॉक्टर जॉनसन या फिर थॉमस स्टन यानी कि टी एस इलियट तो गाइस एपोलॉजी फॉर पोएट्री हैज बीन रिटन बाय फिलिप सिडनी किसने लिखा था फिलिप सिडनी ने कब एलिजाबेथन uh, एज में और मैं आपको बता दूं कि इट वाज एन काउंटर रिप्लाई टू द वर्क रिटन बाय गोसून गोसून ने क्या वर्क लिखा था यहां पे गोसून हैड रिटन अ स्कूल ऑफ अब्यूज स्कूल ऑफ अब्यूज एंड बेसिकली इस वर्क में जो कि एक टोटली हम कहें तो एक अटैक था उन फिलिप सर्डनी ग्रेटेस्ट फिगर एट द टाइम इन एलिजाबेथन एज एलिजाबेथ स्कूल ऑफ एजूज एब्यूज बेसिकली डिस्क्राइब अ पोएट एज अ फादर ऑफ लाइज अ फादर ऑफ लाइज और ये सबसे बड़ा अटैक किसपे था फिलिप सेडनी सो ही हैड टू राइट दिस पर्टिकुलर वर्क एंड एपोलॉजी फॉर पोएट्री अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं फ्रांसिस बेकन वाज एन इंग्लिश क्या थे इंग्लिश में तो फ्रांसिस बैकन गाइस अगर हम देखें तो ये एक पोएट थे ड्रामेटिस्ट थे नॉवेलिस्ट थे या एसे तो 100 परसेंट ही वाज एन एसेस्ट फ्रांसिस बेकन को बेसिकली उनके जबरदस्त एसेज की वजह से कहा जाता है कि ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फादर ऑफ इंग्लिश एशेज तो इंग्लिश एशेज के फादर हम किसको कहते हैं फ्रांसिस बेकन को मैक्सिमम इनके ऑफ से लिखे गए हैं जैसे ऑफ स्टडीज ऑफ सिंगल लाइफ ऑफ रिचेज ऑफ ऑफ फ्रेंडशिप एटसेट्रा तो ये ऑफ से लिखे गए हैं एंड ऑल दीज आर एफोरिस्टिक इन स्टाइल कैसे हैं बच्चों एफोरिस्टिक एफोरिस्टिक का मींस क्या होता है दे आर एबंडेंट ऑफ विजडम विजडम से भरे हुए हैं और जबरदस्त लिखे गए हैं फ्रांसिस बेकन के थ्रू क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो सेवन है शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर ये बेसिकली क्या है तो guys, ये एक डार्क कॉमेडी है वॉट इज दैट अ डार्क Comedy. अब देखो इनमें तीनों में हम ट्रेजेडी ट्रेजी कॉमेडी तो 100% हम इसको कॉमेडी कॉमेडी कहेंगे। आंसर हमारा बी जाएगा। डार्क अगर मैं बताऊं तो इसमें कुछ ही वर्क लिखे जैसे है, है इनको डार्क कॉमेडी। इसलिए कहा गया बिकॉज पर्टिकुलर सोशल इशू दैट वॉज द बर्निंग एट जैसे मेजर फॉर मेजर में एंजेलो को दिखाया गया है, है ना एंजेलो को कैसे दिखाया गया कि वो एक स्ट्रिक्ट रूलर तो है लेकिन उसके साथ में ही वो कैसे लिचरस भी है क्योंकि जो क्लॉडियस की सिस्टर होती है उसको वो एक तरह से करने की कोशिश करता है और इसी में वो फंस जाता है तो मेजर फॉर मेजर कम कमिंग लाइक जैसे को तैसा अगला क्वेश्चन है हमारा थ्री जीरो हंड्रेड परसेंट बच्चों स्पेंसर स्पेंसर का लिखा गया वर्क है फेरी क्वीन दैट हैड सेलिब्रेटेड द ट्यूडर डायनेस्टी और गाइस अगर मैं ट्यूडर डायनेस्टी की बात करूं तो ये डायनेस्टी किसकी है बनाया था। uh, 12 बुक्स में सोचा गया था बट ओनली सिक्स वर्टन और ये एलिगोरिकल वर्क है जिसमें हर बुक एक पर्टिकुलर नाइट को शो करती है और नाइट किसको शो करता है एलिगोरिकली एक पर्टिकुलर वर्चू को करेक्ट तो इसमें हमारी सिक्स बुक्स हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं रोमियो एंड जूलियट इज सब बच्चे जानते हैं। रोमियो एंड जूलियट एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है जिसमें दोनों दोनों के दोनों lovers होते हैं और हो जाती है। जबरदस्त लाइंस अगर हम देखें इन अ रोज विल स्मेल द सेम स्वीट बाय एनी अदर नेम आल्सो कौन कहती है जूलियट किसके लिए रोमियो के लिए का मतलब है कि अगर वो डिफरेंस रखता है कोई भी फैमिली uh, से या फिर उसके क्लास uh, से तो ऑब्वियसली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह कहना था जूलियट का क्वेश्चन नंबर देखते हैं थ्री वन जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय शेक्सपियर शेक्सपियर ने कौन सा लिखा है भाई देखो डॉक्टर फोर्स्टस अगर हम देखें क्रिस्टोफर मार्लो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बेनियन टू फेबल ये आ, किसी का अदर का वर्क है लेकिन ट्वेल्थ नाइट अगर हम देखें तो हंड्रेड परसेंट इट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट को देखें ट्रेजी कॉमेडी है और बेसिकली इसमें क्या होता है बेसिकली इसमें क्या होता है गाइज के यहां पर हम ट्राइंगल लव ट्राइंगल देखते हैं वी सी ही लव ट्राइंगल और सीनो है ओलिविया है और साथ में कौन है यहां पर ियो के सिस्टर सो ओलिविया लाइक ऑर्सिनो और वन मोर इज देर सिस्टर ऑफ सिजेर जो कि ट्विंस होते हैं तो इन्हीं के बीच में लव स्टोरी बनी है जबरदस्त लव स्टोरी है करेक्ट राइज तो ट्वेल्थ नाइट बेसिकली ऑर्सिनो के एक पर्टिकुलर कोडिशन से शुरू होता है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन तो इतनी इंफॉर्मेशन हम इसमें यहां पर देख लेंगे तो गाइज आज हम इतना ही वर्क करेंगे इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम इसको लाइक करते रहे इसको लगातार शेयर करते रहें सब्सक्राइब करते रहें तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच